अग्नि शक्ति जला शक्ति मुझको नहीं कौन आएगा करे जा आज तो बाजा बजे अगर तो हमारी दुल्हन ना बनी तो किसी और भौंडिया किसे पकड़ और रास्ते से कोई आने ना पाए हमेशा कुछ बातें करना चाहते हैं ठीक है बात कर लो आए है तालों में नैनी ताल बाकी सब तलैया अरे गाले में तेरे गाल बाकी सब गलैया ऐ करेजा ये चढ़े हैं बादल तो बरसात जरूर होगी और मिलो हम तुम मुझे याद तो सुहा आपकी मुझे शक्ल नहीं देखने में अच्छी लगती लेकिन मुझसे दूसरी बात रानी शक्ल की बात छोड़ और तो अच्छा लगता है शक्ल से क्या लेना देना है रानी सुन हमारी बात को और तेरे दिल पे छाने को दिल चाहता है तेरे दिल पे छाने को दिल चाहे ताहे और निगाहें मिला ले तो दिल चाहे ताहे और बन करके मैं हर कलियों का भरा और सदा गुनगुना राजकुमारी तो राजकुमारी है तो हम भी चम्बल घाटी का कुखर डाकू गंगा सिंह लोग मुझे गंगा सिंह का तो हमारा दोस्त उसका नाम है गंगा सिंह तू भी अपना पर्चा जानते हो आओ ऐसे आओ ओ भैया आओ पर्चे तो बता दिए या जान है पर्चे बता दे आओ यार क्या लौंडिया पायो यार लौंडिया तो बड़ी मस्त पायो अच्छा मिली कहाँ यार अभी अभी तो प्रयास कर रहे हैं है सकत बजरंग बली चाहे तो मिली जाए तो प्रयास कर रहे हो क्या लौंडिया है बजरंग बली से प्रयास कर रहे हैं कि राधे राधे पुड़ी पटा दे हरे मुरारी मिले कुआरी जय हनुमान हनुमान जी की बात कर रहा हूँ जिसके यहाँ ये हो जय हनुमान पट जाए मेरी जान जय रघुनंदन जय घनश्याम मिले तो मिले नहीं जय सियाराम लेकिन लौंडिया बढ़िया है लौंडिया बढ़िया है तो क्या लौंडिया है क्या इसके गाल है तो इतनी तारीफ क्यों कर रहा है टाइम नहीं है तारीफ तुम जान रहे हो लौंडिया ऐसा पटिया है हम जिंदगी में पहली बार देखे अच्छा क्या लौंडिया है क्या इसकी चाल है क्या इसकी गाल है अच्छा तू हट पीछे क्या इसका चेहरा है तू साले मेहरा है ऐसे साले चिरकुट आ जाते हैं सुने मेरी बात मेरी रास्ता तोड़े और मुझको जाने दीजिए ऐ जानम ये गंगा सिंह इसे पसंद कर लेता उसे छोड़ता नहीं है आज तो नथुनी उतरे तुम्हारी कमरे नथुनी उतरेगी तुम्हारा दिमाग तार हट गया नहीं मानेगी आपकी बात में
तभी नहीं मानूंगी। ए रानी, कसम भगवान की जिस दिन से हमने देखा है उसी दिन से हमारा दिमाग एकदम पागल हो गया है। ए रानी, देखो जब से तुमको मेरी जान मन कहा उस दिन से मेरा ठिकाना नहीं, और रानी तुम पे करे जाए है, है। और रानी तुम पे फिदा हूं दिलो जान से। प्यार करने की दूर बात, तेरे चेहरे पे मैं थूकूंगी नहीं। ए करे जा, अगर तू थूक देगी तो हम चाट भी लेंगे। चावल में दूध पड़े तो उसे खीर कहते हैं, अगर मोहब्बत में जूता पड़े तो उसे तकदीर कहते हैं। कोई बात नहीं, हमें लगता है जूता खाने का नंबर तुम्हारा आ ही गया। भाग्य जी तैयार हो जा, अब देखते तेरे। अरे गंगा, इधर आ। ये जूता देखा है ना, इतने जूता मारूंगा ना सर के बाल साले गिर जाएंगे। उठा बंदूक, उठा बंदूक, रहता रोक खाले। तैयार हो जा, तैयार हो जा। एक अबला की इज्जत अबला किया बेटू का तुझे पाएगा। मार गोली तुझे बेल चुमुल के एकदम सरजमी पे मंजूरी बनकर आया है लैला को बचाने का रे। हाँ, एक इंसान का फर्ज होता है इंसानों का काम आना। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अगर हमारा नाम सुनोगे तो तेरे पाँव के नीचे की जमीन खसक जाएगी बेटवा। लोग मुझे चंबल घाटी या गंगा सिंह सांग डाकू, डाकू गंगा सिंह नाम, नाम इतना पवित्र और काम काम इतना। अरे जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है,
और जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड की तरफ भागता है। आज तेरी जब मौत आई तब गंगा सिंह के पास दौड़ कर आया, और जब बंदर की मौत आती है ना तो नंगे करंट तार पे दौड़ता है। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते, वो दीवारों पर रंग कर साले खत्म हो जाते हैं, वैसे तू खत्म होगा। और कछुआ, कछुआ कभी समंदर में रह करके जहाज नहीं बन जाता, कछुआ कछुआ रहता है। इसलिए गंगा सिंह चले जाए, पहला कल्ला समय खुला गाना तेजस्वी ऐसे मौत मारेगा कि कोई भी इंसान कैसी मौत न मरे। मैं देखता हूँ साले कौन मरता, तू मरता कि हम मरते हैं। तैयार है जमाने के लिए। ये बंदूक दिखा के डरा रहे मुझे। चला बाली, अगर तेरी मौत है तुझे दूध पिलाए तो चला बाली। दफन कोड़ा लेकर के मारो, अजय तुम से मार कर चमड़ा से खाली कर दो। अच्छा, अरे डाकू गंगा, ये पढ़े लिखे आदमियों का दिमाग है, बटुआ रस्सी को सांप बनाते हैं। कभी गंगा सिंह कच्ची गोली नहीं खेला है? बाप मरा अंधेरे में बटवा साला पावर हाउस। गंगा सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता, इसमें गोली है ही नहीं, खाली देख 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 देख, रंगबाजी करने के लिए सूखी रंगबाजी करते हो। साला इसमें गोली भी नहीं रखी दोस्त। गंगा सिंह, और ये छोड़ दो, पैर में जूता है, पैर में तेरे जूता है, इन सालों को चार चार जूता मार। मैं कहता हूं इसे छोड़ दे, इसे तो हम लेकर जाएंगे, और तू देख क्या करता है तू। अरे यार तुम भी आ गए मरने। अरे झंडू बाब, हम लोग यहाँ मुसीबत में फंस गए यार, तू भी आ गया। अरे तू भाग जा, तू भाग जा। अरे उसके पास खंजर है, तेरी खोपड़ी काट करके रख दूंगा। गंगा सिंह ठाकुर है, राजपूत है, एक कभी कच्ची गोली बिटवा नहीं खेलता। गंगा सिंह सर उठा के जिया है, और सर उठा के जिए गए, हम देखते हैं तेरी बाजू में कितनी ताकत है। तैयार हो जाओ,
लगा नंगा सिख बिना जूता काले कपड़े कहीं चोरी करके लाए। अरे झंडू बाप इसकी धुलाई करो सारे। यार हमार भैया है तुम तो हमार भाई है। एक बार बताओ तुम इसके साथ में भाड़े पे आए थे क्या? साले डाकू कैसे बन के आ गए? साला जी का साला डाकू साले लौंडिया देते हो तभी सीरा चला। अरे तो यार खरी तो का करी मजबूर हन यार। हाँ मजबूर हो। हाँ मंजूर हन। मंजूर हम मंजूर हन। कहाँ इनके बीच में पड़े हो? कहे अबे साले हमारे भाई हैं, हमारी दोस्ती है। हम साले हैं। कचर के मारे आँखी नगाड़ा हो जी है। आँखी तेरी बड़ी भाव है छोटी। हाँ हाँ चढ़ जाई है एकदम से। हाँ एक बात बताई का उनका 100-150 रुपया दे। 100-150 दे। हाँ ये पंचन दे के पाऊँ ला देखिए जान हुए तो निकाल ले। देखो दोस्त साले ऐसे ऐसे नंगा सिंह आ जाते वाकई में नंगा ऊपर तो और गंगा सिंह चला गया ठीक अन्यथा ऐसा हाल करता उसका सुरजीत उसको छठी का दूध याद है। लेकिन एक बात है मेरे दोस्त मैं इसको एकदम बेवकूफ समझता था। अरे नहीं बहुत होशियार इंसान बहुत होशियार है। अबे साले उल्लू के पट्टे तलवार कहीं पीछे लगाई जाती है लेकिन पीछे लगाना नहीं चाहिए वरना तुम्हारे जो दो कमरों के बीच में जो गैलरी है कहीं तलवार उसमें ना चली जाती है। सुरजीत आ चलते हैं। अरे सुनिए बाबूजी काय बच्चा मैंने आपको नहीं कहे उनको काय मना ही हमने उनका उनको बुला रहे हैं आपको नहीं बुला रहे हैं भैया तुमको बुला रहे हैं इनका। नमस्ते 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 बहुत बहुत अच्छी आप हैं और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आपने हमको बुलाया? नहीं नहीं आपको नहीं बुलाया। हमको नहीं बुलाया हमारा जवाब है। अरे दोस्त पूरी मेहनत तो बच्ची हम की ना नहीं बताई तुम क्या बहने पतेलिया जुठा। सुनिए हाँ अपनी शकल देखा है इन्हें देखा शकल तो सुंदर ही है देखो मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ। मेरे दांत देखो जैसे अनारे की दाने मेरी आँख देखो जैसे आम की फाँके। कहिए क्या बात है देवी जी आप मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे नहीं नहीं आपसे नहीं उनसे। अरे दोस्त कितना खुश हो ये लड़की ना हमसे बात करेगी ना इससे बात करेगी ये बातें तुमसे करेगी। देखो ज्यादा टाइम नहीं देना कुछ आपस में समझा लो और जल्दी काम करना ठीक है। और डील के साथ एक के काम किए कोनो खतरा हो जाए। क्या बात है देवी जी? अरे बाबूजी मेरे कंगन का कहीं नंक हो गया है। नंक? अरे ये काम तो मेरा दोस्त सुरजीत करता है। ए सुरजीत क्या हुआ? मेरे कंगन का कहीं नंक हो गया है। कंगन का नंक? कंगन होता तो हम ढूंढ लाते और कंगन का नंक छोटा हो देखे तो कहाँ का नंक हो गया है। देखिए ये देखो हाँ ये जो दो बगल में लगे हैं ना
ये जो दो बगल में लगे हैं ना लाल वाले, अरे कुएं में नहीं गिरा हुआ है। इनके कंगन में जो दो बगल में लाल रंग लगे हैं उसके बीच में एक सफेद रंग लगा हुआ है, हाँ वही कहीं जाकर गिर गया है। खैर एक बात, एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ उस नग को ढूंढ के लाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं जा रहा हूँ इसके। सुनिए बाबूजी, आपने इतनी मदद की है, कृपया करके थोड़ी सी मदद और कर दीजिए। कौन सी मदद? मेरे महल तक पहुँचा दीजिए मुझे। तुम्हारे राजमहल तक? जी हाँ। आप कौन है और आपका नाम क्या है? मैं श्री श्री महाराज भैभी सिंह की। श्री श्री महाराज भैभी सिंह की पुत्री, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमारी अंजू देवी। अबे देवी बाबू, सीधे बात है कि साले माफी मांग, साले फांसी दे देंगे महाराज। साले हाथ क्या लगा रहे हो? अरे अगर महाराज जा करके महाराज से बोल देगी ना साले फांसी हो जाएगी। ये महाराज भयभीत सिंह की इकलौती पुत्री हैं, इनका नाम है राजकुमारी अंजू देवी, और इनसे कोई भी बदसलूकी से बात मत करना। हम बहुत अंडू हैं। अंडू बधिया की बात कर रहा है, राजकुमारी अंजू देवी नाम है इनका। देखो देखो अजय, मैं चलता हूँ सामने वाले होटल में चाय पीता हूँ, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनवाकर इंतजार करता हूँ, और तुम राजकुमारी अंजू जी को इनके दरबार तक छोड़ के जल्दी वापस आना, क्योंकि हमारे रियासत के महाराज भैभीत सिंह की राजकुमारी हैं और इनको सम्मान पूर्वक इनके महल तक छोड़ के आओ। ठीक है दोस्त, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मुझे आने में लेट हो जाए तो कुछ रोटियां पका लेना। अगर मैं आने में लेट हो जाऊँ तो रोटियां पका लेना। अरे मैं जल्दी आऊंगा यार। देखो हैंड बॉम्ब, आओ चलते हम लोग पहले चाय पीते हैं, वहां इंतजार करेंगे, अगर ये लेट हो जाएगा तो हम लोग घर को चलेंगे और इनके लिए नाश्ता पानी बना के तैयार रखा जाएगा। चलो चाय बना चलो। और देखो दोस्त जल्दी से आना, ठीक है? अरे मैं जल्दी आऊंगा यार। राजकुमारी जी को घर के अंदर तक छोड़ के आना। ठीक है राजकुमारी जी, चलिए। ठीक है चलिए चलिए। हेलो आपका राजमहल है क्यों? अरे वाह, चारों तरफ बिजली और ये सिंहासन, यहाँ तो बहुत ही सुंदर लगता है। अच्छा राजकुमारी जी, हाँ बहुत ही अच्छा, चारों तरफ बिजली, नौकर चाकर, क्या कहना। अच्छा मैं चलता हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं मैं, और ये कुर्सी, अरे देखिए आप अपने राज भवन तक आ गई। देखो आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप बैठेंगे नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी हाँ बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे लगते हैं आप। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोलो। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, रहो, चुप रहो, रहो।
जी, 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 जी। मेरा नाम और मेरा पता जानना चाहती है, जरूर बताऊंगा। नाम मेरा इस नाचिस को जगह थे, नाम कर रही देवदा मुझसे तलवार है, नाम मेरा मैं उतर कर रही देवदा I'm gonna make it right।